लो एवरीवन वेलकम टू पी वाई क्यू सीरीज मैं हूँ आस्थाप फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम सो so, पी वाई के सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने क्लास टेंथ सी बी एस ई साइंस के फिजिक्स पोर्शन का ट्वेंटी नाइनटीन वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको है ना उसके हम तीन सेट्स यानी कि सेट वन सेट टू सेट थ्री अच्छे से सॉल्व कर चुके थे अच्छे से डिस्कस कर चुके थे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे के दो सेट्स और यानी कि सेट फोर एंड सेट फाइव तो जो क्वेश्चन दोनों में कॉमन होंगे उनको हम एक साथ कर लेंगे जो अलग अलग होंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम अलग अलग भी अच्छे से सॉल्व करेंगे सो so, इस सीरीज के थ्रू हम लोग ये जान रहे हैं कि जैसे अलग अलग सेक्शन में पेपर डिवाइडेड रहता है कुछ क्वेश्चन टू मार्क के होते हैं कुछ वन मार्क के कुछ थ्री मार्क के कुछ फाइव मार्क के तो उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से सोल्व कर पाए तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए भी चलिए सो ट्वेंटी नाइनटीन के सेट फोर का जो फिजिक्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन रेजिस्टेंस गिव इट्स एस यूनिट तो आपको रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है उसकी एस आई यूनिट बतानी है और ये केवल और केवल वन मार्क का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है तो हमको पता है कि किसी वायर या फिर किसी कंडक्टर या फिर किसी रेजिस्टर के लिए अगर हमको रेजिस्टेंस बताना है तो ये मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं अगर हम रेशियो बता दें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस वायर के दो एंड्स के अक्रॉस या फिर उस रेजिस्टर के दो एंड्स के अक्रॉस या फिर उस जो कंडक्टर है उसके दो एंड्स के अक्रॉस जिसको हम वी के थ्रू डिनोट करते हैं उसका रेशियो किसके साथ में जितनी भी इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रही हो उसके थ्रू तो वी अपॉन आई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट ठीक है अब पूछा जा रहा है कि इसकी एस आई यूनिट बता दीजिए तो आप लोगों को पता है मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा है ना सो so, इसकी एस आई यूनिट क्या होती है ओम तो ये हो गई हमारी जो रेजिस्टेंस है उसकी एस आई यूनिट तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी है वन मार्क का क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या बोला गया है नेम एनी टू एलिमेंट्स देट आर यूज इन फेब्रिकेटिंग सोलर सेल्स तो सोलर सेल्स को कवरअप करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से मटीरियल्स का यूज़ किया जाता है तो इसमें आप दो मटीरियल्स का नाम दे सकते हो एक है सिल्वर और एक है सिलीकॉन तो ये मटीरियल्स का यूज़ क्यों किया जाता है क्योंकि ये हेल्प करते हैं जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी सप्लाई में भी ये मटीरियल्स हेल्प करते हैं इसीलिए तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये है टू मार्क्स का क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपने अभी तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसके थ्रू आपको पता चला होगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसलिए इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सबसे पहले तो हम उस पर ऐसे ही छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि अगर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है जैसे कि अगर हम मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई और यहाँ पर से टकरा के वापस सेम एंगल पर वो बाउंस बैक हो जाए तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट लॉ जो इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पर लाई करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रे आ रही है लाइट की ये इस पर इंसिडेंट हो रही है इसलिए ये क्या हो गई इंसिडेंट रे हो गई यहाँ से जो बाउंस बैक हो गई ये रे गई ये कौन सी रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे हो गई और नॉर्मल इनके बीच का हमने एंगल डिफाइन करने के लिए डाला है तो ये तीनों ही किस प्लेन पर लाई कर रहे हैं सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं और ये है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है सेकेंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो जितने एंगल से वो रे इंसिडेंट हुई थी इस सरफेस पर उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी यानी कि जो ये एंगल आई है ये वाला एंगल ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर ठीक है तो ये ही दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको थर्ड क्वेश्चन ही नज़र आ रहा है और टू मार्क्स का ही क्वेश्चन नजर आ रहा है सेम सेट के लिए इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि ये दो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं या फिर ये और वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें से जो आपको अच्छे से आता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो ठीक है दोनों सॉल्व नहीं करके आना है जो भी अच्छे से आता है दोनों में से कोई भी आप सॉल्व करेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी करना है ठीक है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इट मीन्स अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को एन के थ्रू डिनोट कर रहे हैं तो ये इक्वल टू अपॉन वेयर सी इज द स्पीड ऑफ़ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम तो यहां पर मैं लिख भी देती हूं सी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर, कर रहे हैं हम डिनोट कर रहे हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ठीक है और v के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जो भी मीडियम आपको गिवन होगा उसके लिए ठीक है तो इस तरीके से आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिफाइन कर दिया साथ ही साथ आपने उसके लिए फॉर्मुला भी दे दिया या फिर मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया और इस क्वेश्चन में आपको टू मार्क्स इजीली मिल जाएंगे तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट और ये हमारे पास में टू मार्क्स का क्वेश्चन है अगर आप एक लेबल्ड डायग्राम बनाते हुए इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से जो शो है फिगर के थ्रू शो कर दोगे तो आपको टू मार्क्स में मिल जाएंगे ठीक है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिखानी एक बार मैग्नेट के अराउंड तो बार मैग्नेट आप एक बना लोगे जिसमें एक इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा एक इसका साउथ पोल हो जाएगा ठीक है अब आपको ये बात मालूम है कि बार मैग्नेट के बाहर की साइड अगर हम देखें या फिर आउटसाइड द बार मैग्नेट अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर से किधर की तरफ को जाती हैं वो जाती हैं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ठीक है तो आप इसी तरीके से इन लाइन्स को शो करते हुए दिखा दोगे वैसे ही आपको पता है कि अगर हम इनसाइड द बार मैग्नेट की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो किधर से किधर को जाती हैं वो जाती हैं साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ को तो आप इनको कुछ इस तरीके से डिनोट या फिर रिप्रेजेंट करते हुए दिखा दोगे और इस तरीके से आप एक डायग्राम बना दोगे पूरा का पूरा और आपको इस क्वेश्चन में टू मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए आप देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारा फिजिक्स का 2019 के सेट फोर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ और ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप प्रीवियस डिस्कशंस फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है वॉट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिस्प ड्रॉ अ रे डाइग्राम टू शो दाथ ऑफ लाइट वेन टू आइडेंटिकल ग्लास अरेंज टूगैदर इन इन्वर्टेड पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द नैरोम ऑफ वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉलो पब्लिकली ऑन वन ऑफ द फेसिस ऑफ द प्रिज तो इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए एक तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है आप कॉज बताइए डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का

व्हाइट कलर की लाइट का अपनी सेवन कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स यानी कि किसमें विब स्प्लिट होना ठीक है यहाँ पर आई थिंक सिक्स ही कलर्स बने हुए हैं तो इंडी को छूट गया है यहाँ पर आप इंडिगो भी बना लेना ठीक है तो व्हाइट लाइट का अपने सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यानी कि वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इनमें स्प्लिट हो जाना ही डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट कहलाता है अब क्या होता है यह है ग्लास प्रिज्म लाइट आ रही है एयर से तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर इसका क्या हो जा रहा है यहां पर रिफ्रैक्शन हो जा रहा है अब क्या है व्हाइट लाइट के अंदर सेवन लाइट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं ठीक है थीके? तो वो क्या करती हैं जब यहाँ पर एंटर होती है इसके अंदर तो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करने लगती हैं जिसकी वजह से उनमें जो डेविएशन है वो भी अलग अलग होता है सबसे लीस्ट डेविएटेड कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे रेड और सबसे ज्यादा डेविएटेड कौन सा दिख रहा है तो वॉयलेट ठीक है तो इसका मतलब है जो रेड वाली लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है सबसे ज्यादा है जो ब्लू कलर वाली लाइट है यानी कि वॉयलेट इंडिगो ब्लू ये क्या है इनकी वेवलेंथ उनके कंपेरिजन में कम है ठीक है इसीलिए ये क्या होती हैं जब ग्लास प्रिज्म के थ्रू इनको भेजा जाता है तो ये क्या हो जाती हैं स्प्लिट हो जाती हैं या फिर डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट का हमको फिनोमिन देखने को मिलता है ठीक है पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी का सेकंड पार्ट क्या है कि अगर हमारे पास में दो आइडेंटिकल हैं हैं यानी कि दोनों एक जैसे उनको अगर हम इन्वर्टेड पोजीशन पे रख दें तो एक व्हाइट लाइट अगर हम एक प्रिज्म से भेजते हैं तो लास्ट में हमको फिर से वही लाइट मिल जाती है ऐसा क्यों होता है तो इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले बताया था कि उन्होंने सर आइजेक न्यूटन ने ठीक है तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने सनलाइट ली सनलाइट क्या होती है व्हाइट लाइट होती है ठीक है अब व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया किस पर एक प्रिज्म के थ्रू अब हमको पता है यहाँ पर कौन सा फिनोमिन देखने को मिलता है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का यानी कि वो अपने सेवन कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स में क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है स्प्लिट हो जाती है ठीक है अब उन्होंने क्या किया इसके सामने से रख दिया इन्वर्टेड पोजीशन में सेम ऐसा ही एक प्रिज्म ठीक है अब जब ये सारे के सारे सेवन कलर्स यहाँ से होते हुए इस पर गए तो दूसरी साइड पर हमको क्या मिल गया स्क्रीन पर हमने देखा कि हमको फिर से वाइट लाइट मिल गई तो इससे पता चलता है कि जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं सेवन कलर्स होते हैं तो इस तरीके से आप एक लेबल्ड डायग्राम बना के आ जाएंगे एग्जाम्स में और आपको थ्री मार्क्स इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आसानी से मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए आप देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है और ये भी थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है यानी कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन है व्हाट इज स्केचिंग ऑफ लाइट स्केचिंग ऑफ लाइट किसको बोला जाता है यूज दिस फिन टू एक्सप्लेन वाई द सन अपियर्स रेडिश एट सनराइज एंड सेकेंड द क्लियर स्काई अपियर्स ब्लू तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ठीक है तो पहले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसको हम लोग बता सकते हैं तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो लाइट है उसका अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाना स्प्रेड हो जाना सो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट ठीक है अब इसका जो पहला आपके पास में फिनोमिन है उसको डिस्क्राइब करना है स्केचिंग ऑफ लाइट के थ्रू और सेकेंड वाले को भी स्केचिंग ऑफ लाइट के थ्रू ही आपको डिस्क्राइब करना है फर्स्ट वाले में आपसे पूछा गया है कि सनराइज के टाइम पे जो सन है वो हमको रेडिश कलर का क्यों नज़र आता है क्योंकि जो सनराइज का टाइम है मान लिया ये हमारा है सन ठीक है इसकी हम बात कर रहे हैं सनराइज के टाइम की ठीक है तो सनराइज के टाइम पे जो सन है वो होता है होराइज़न पर होराइज़न का मतलब है कि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर है अब मैक्सिमम डिस्टेंस पर है सनलाइट क्या होती है व्हाइट लाइट होती है व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं सेवन कलर्स होते हैं यानी कि वेब की, विप की और, और हमको पता है स्कैटरिंग कैसे होगी जब वो अलग अलग टाइप की जो एटमोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है उनसे टकरा के हमारे तक पहुंचेगा ठीक है अब हमको ये पता है कि जो लार्जर वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं या लाइट रेज होती हैं वो बड़े पार्टिकल से जब टकराती हैं तभी स्कैटर होती हैं और जो कम वेवलेंथ यानी कि जो शॉटर वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं यानी कि जो ब्लू वाली लाइट होती हैं वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से भी टकरा जाती हैं तो क्या हो जाती हैं स्कैटर हो जाती हैं यानी कि फाइन पार्टिकल से टकरा के भी वो क्या हो जाएंगी स्कैटर हो जाएंगी तो जब सन होराइजन पर है हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो हमारे तक पहुँचने के लिए कौन सी वेवलेंथ लेंथ पहुँच पाएगी वही वेवलेंथ पहुंच पाएगी जिसकी जो वेवलेंथ वही कलर पहुंच पाएगा सॉरी जिसकी वेवलेंथ क्या है सबसे ज्यादा है तो रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है इन सारे कलर्स में से जो सन के पास में कलर है यानी कि व्हाइट लाइट उसमें जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की और ये जल्दी से स्कैटर नहीं होता है ब्लू जल्दी से स्कैटर हो जाता है फाइन पार्टिकल्स के थ्रू तो हमारे तक वो कलर पहुंच ही नहीं पा रहा है हमारे तक कौन सा कलर पहुंच रहा है रेड कलर हम तक पहुंच जाएगा ठीक है सेकंड क्या है द क्लियर स्काई अपियर्स ब्लू तो हमको जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों नज़र आता है सो so, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी लाइट हम तक पहुंचती है वाइट लाइट या सन लाइट है ना वो कैसे पहुंचती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू पहुंचती है ठीक है तो स्काई का कलर ब्लू भी उसी वजह से हमको नज़र आता है क्योंकि जो ब्लू कलर है वो विप विबग्योर वाला जो हमारे पास में पूरा का पूरा हम बता रहे हैं कि वाइट लाइट के अंदर सेवन कॉन्स्टेंट कलर्स होते हैं उनमें से जो ब्लू कलर है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले कलर्स में से है ठीक है तो ये क्या होता है ये एटमोसफियर से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकरा के क्या हो जाता है चारों तरफ स्कैटर हो जाता है लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है कौन सी लाइट ब्लू कलर की लाइट इसीलिए जो स्काई है वो हमको ब्लू कलर का नजर आता है या फिर इट अपियर्स ब्लू इन कलर ठीक है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्स में लिख कर आएंगे तो आपको इसके पूरे के पूरे मार्क्स यानी कि थ्री मार्क्स इसमें मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ ये भी हमारे पास में थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है दिखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। तो एक कॉइल है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर के थ्रू इस पर इस तरीके से बाउंड किया गया है ठीक है और इसके साथ में एक गेलवेनोमीटर जो कि क्या बताता है डिफ्लेक्शन दिखाता है करंट के होने पर ठीक है तो उसको क्या किया गया है कनेक्ट किया गया है व्हाट वुड हैपन इफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज ए है पुस्ड इन द कोयल बी है विदड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कोईल एंड सी है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कोईल गिव जस्टिफिकेशन फॉर ईच ऑब्जर्वेशन तो तीन आपसे ऑब्जर्वेशन का जस्टिफिकेशन मांगा गया है

इन एक करंट इंड्यूस होगी ठीक है और इसी वजह से गैल्वेनोमीटर अचानक से एक डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि उसको क्या कर दिया जाए विड्रॉ कर दिया जाए फ्रॉम इनसाइड द कोईल तो अगेन इस केस में भी क्या होगा यहाँ पर भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगी अभी फिर से गैलवेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा लेकिन जिस डायरेक्शन में उसने पहले डिफ्लेक्शन शो किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में अब वो क्या करेगा you वो शो करेगा डिफ्लेक्शन और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अभी भी क्या किया जा रहा है कि बार मैग्नेट को उससे दूर ले जाया जा रहा है विड्रॉ किया जा रहा है ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं वहां पर क्या डाल रहा है उस पर इफेक्ट डाल रहा है और इस वजह से यहां पर फिर से करेंट इंड्यूस हो रही है और इस वजह से फिर से गैलवनोमीटर क्या हो रहा है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बट रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा है क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है विड्रॉ हो रहा है वो इसीलिए ठीक है थर्ड है अगर उसको स्टेशनरी रख दिया जाए कॉइल के अंदर तो स्टेशनरी रख देंगे तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा सो नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर तो इस तरीके से हमने जस्टिफिकेशन भी दे दिया और इन क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए तो आप ना इन क्वेश्चन के आंसर मैं सब कुछ तो लिख नहीं पा रही हूँ बोर्ड में तो जो जो मैं बोल रही हूँ आप उनको नोट भी करते हुए चल सकते हैं और अगर आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है तो वो भी अच्छी बात है आप अपने वर्ड्स में एग्जाम्स में उसको एक्सप्लेन करके आ जाइए ठीक तो है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन्थ और इसके दो पार्ट्स हैं ए एंड पी और ये टोटल मिला के फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है यानी कि 2.5 2.5 ईच तो हम एक एक करके इसके दोनों ही पार्ट सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम इसके पार्ट ए की बात करते हैं जिसमें हमसे बोला गया है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर तो इलेक्ट्रिक पावर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर को आप बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसका रेट ठीक है तो यहाँ पर मैं इजीली लिख देती हूँ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर ठीक है नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ वोल्टेज वी एंड एंड्रॉज अ करंट आई डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर इन द टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस तो इस तरीके से मान लीजिए एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं सो so, एक आर जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करेंट आई क्या हो रही है फ्लो हो रही है ठीक है और जो वोल्टेज है उसको हम किसके थ्रू डिनोट कर रहे हैं उसको हम डिनोट करेंगे वी के थ्रू ठीक है तो यह है रेजिस्टेंस आर करेंट आई और वोल्टेज वी ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई सो so, यहाँ पर हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं W इक्वल टू हमको पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो इक्वल टू तो किसके होता है वी इन टू आई इन टी की टी क्या है यहाँ पर सो so, टी भी यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं जिस टाइम में ये करंट फ्लो हो रही है इस रेजिस्टर के अक्रॉस ठीक है सो ये क्या हो गया डब्ल्यू वी इंटू आई इंटू टी अब आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर इट मीन पी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए वी इंटू आई इंटू टी अपॉन टी सो टी से टी कैंसिल हो गया ये आ गया आपके पास में वी आई ठीक है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको एक रिलेशन पता है वो क्या होता है वो होता है V इक्वस टू आई इन टू आर ठीक है तो यहाँ से जो ये V की वैल्यू है इसको यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए तो P इक्वस टू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास में आई आर इन टू आई ठीक है इट मीन्स P विल बी इक्वल टू आपके पास में आ गया आई स्क्वेर आर ठीक है तो यही आपसे पूछा गया था कि जो पावर है उसको करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में या फिर उनके साथ में रिप्रेजेंट कीजिए तो आपने ये कर दिया P इक्वस टू आई स्क्वायर आर जहाँ पर I क्या है करंट है जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रही है फ्लो हो रही है ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं सो so, इस क्वेश्चन का पार्ट बी हमारे पास में है टू इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड वन हंड्रेड वोट टू ट्वेंटी वोल्ट एंड टू ट्वेंटी आर कनेक्टेड इन पैरल टू एंड इलेक्ट्रिक मेन्स ऑफ टू ट्वेंटी वोल्ट फाइंड द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्राम द मेन्स ठीक है तो देखिए इसका एक छोटा सा रफ डाइग्राम या फिर सर्किट बना लेते हैं तो दो बल्बस हैं मान लिया ये रहा एक बल्ब ठीक है और ये रहा दूसरा बल्ब कुछ इस तरीके से तो डिज़ाइनिंग आप लोग अच्छे से कर लेना आपको अच्छे से करनी आती होगी मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूँ ठीक है so, सो यहाँ पर हम लोग इसको मेन सप्लाई के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं एक स्विच लगा देते हैं ठीक है और इस तरीके से हमने इसको कर दिया कनेक्ट यहाँ पर करेंट इस तरीके से फ्लो हो रही है ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई तो फर्स्ट बल्ब हमारे पास में इसकी पावर कितनी है सो पी वन इक्व टू है वन हंड्रेड वोट ठीक है यहाँ पर V1 वन इक्वल टू कितना है 220 ट्वेंटी वोल्ट्स सेकेंड वाले बल्ब की पावर कितनी है तो P2 टू इक्वल टू है सिक्सटी वोट और V2 टू इक्वल टू हो गया हमारे पास में 220 ट्वेंटी वोल्ट और मेन सप्लाई है 220 ट्वेंटी वोल्ट्स की ठीक है तो ये V की वैल्यू हो गई हमारे पास में अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर से जितनी भी नेट करंट इन बल्ब के थ्रू मेन्स तक पहुंच रही है वो हमको बताना है ठीक है तो उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां पर जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है उनको पता कर लेते हैं उनको पता करके हम क्या करेंगे तब जाके हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे वी इक्वल टू आई आर या फिर आई इक्वल टू वी अपॉन आर के थ्रू क्योंकि वी की वैल्यू तो हमारे पास में ऑलरेडी है हमको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आर का यानी कि रेजिस्टेंस का या फिर इक्वल रेजिस्टेंस चाहिए उसकी वैल्यू इसके थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है तो चलिए देखिए फर्स्ट वाले के लिए अगर हम बात करें उसके लिए अगर हम रेजिस्टेंस को R1 नाम देते हैं तो इक्वल टू तो क्या हो जाएगा रिलेशन आपको पता है R इक्वल टू वी अपॉन पी होता है सॉरी वी स्क्वेयर अपॉन पी होता है ठीक है सो यहाँ पर ये इक्वल टू किसके आ जाएगा वी यानी कि आपके पास में 220 ट्वेंटी हो गया तो ये हो गया 220 ट्वेंटी अपॉन पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 हंड्रेड वॉट्स है सो so, जीरो से जीरो कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल ये वाला भी जीरो कैंसिल सो आर वन की वैल्यू आ गई पहले वाले बल्ब के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया वो आ गया आपके पास में 484 एट ओम्स ठीक है सेकेंड वाले बल्ब के लिए आर टू आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए अपनी नोटबुक में सो आर टू विल बी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वी स्क्वेर अपॉन पी इसको पी वन लिख लेते हैं वी वन स्क्वायर लिख देते हैं वी टू स्क्वायेर अपऑन पी टू लिख देते हैं ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा 220 ट्वेंटी इन टू ट्वेंटी अपॉन पी टू की वैल्यू यहां पर कितनी है तो 60 वॉर्ड से जीरो से जीरो हो गया कैंसिल तो यहाँ पर आ गया टू थ्री ज़ोर सिक्स टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू यानी कि आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आपके पास में आ जाएगी इलेवन जीरो जीरो इलेवन टू ज़र ट्वेंटी टू इलेवन टू ज़र ट्वेंटी टू और ये हो गया ट्वेंटी फोर तो टू फोर टू जीरो अपॉन थ्री ओम्स ठीक है अब रेजिस्टेंस सॉरी जो ये बल्ब हैं वो किस में कनेक्टेड है पैरेलली कनेक्टेड है तो यहां पर से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू ठीक है सो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा वन अपॉन फोर एट फोर ओम्स प्लस थ्री अपॉन टू फोर टू जीरो ओम्स ठीक है तो यहां से जब आप आर इक्वेल कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा टू फोर टू जीरो अपॉन एट ओम्स ठीक है तो ये इनका कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो हमको पता चल गया कितना टू फोर टू जीरो अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होता है वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी दी गई है कितनी है टू ट्वेंटी वोर्ड्स है तो यहां पर रख देंगे टू ट्वेंटी अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है तो ये हो जाएगी टू फोर टू जीरो अपॉन एट इट मीनस ये आ गया टू फोर टू जीरो यहाँ पर इंटू एट यहाँ पर आ गया ठीक है तो कैंसिल कर लीजिए जीरो से जीरो कैंसिल टू वन जो टू टू वन जो टू टू वन जो टू 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 ज फोर टू वन जा टू ठीक है इसको मल्टीप्लाई कीजिए सो आई इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा इलेवन एट एटी एट अपॉन वन ट्वेंटी वन अच्छा यहाँ पर से आप इसको भी कैंसिल कर सकते थे तो ये इलेवन आ जाता और आपके पास में आ जाता एट अपॉन इलेवन एम्पियर्स ठीक है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है वो हो रही है आई इक्वल्स टू एट अपॉन इलेवन एम्पियर्स और यही हो गया आपके इसके पार्ट पी का आंसर तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है यानी कि फिर से ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हैं और वाले क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको सॉल्व करेंगे तो so, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के दो ही पार्ट्स दिए गए हैं ये भी फाइव मार्क्स का ही क्वेश्चन है इन दोनों ही ही पार्ट्स को हम एक एक ही करके सॉल्व ही करने वाले हैं तो so, पहले हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट ए की जिसमें आपसे बोला गया है हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करेंट फ्लो थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग थ्री रजिस्टर्स आर वन एंड आर इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट आप कैसे बताओगे कि अगर तीन रेजिस्टेंसिस आपके पास में है और उनको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है तो उन तीनों के थ्रू ही सेम करेंट फ्लो हो रही है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, है ना तो देखिए हमारे पास में है तीन रेजिस्टेंसेस एक ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया ठीक है कुछ इस तरीके से इनको हम कर देते हैं कनेक्ट सभी चीज़ों से बैटरी से और स्विच से बाकी अमीटर और वोल्ट मीटर भी आप कनेक्ट करते हुए दिखा सकते हैं आपको पता है कि अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैलली कनेक्ट होता है ठीक है तो करेंट कुछ इस तरीके से मान लिया फ़्लो कर रही है इन रजिस्टेंसेज के अक्रॉस ठीक है वोल्ट मीटर लगा लेते हैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर हो गया हमारे पास में इस वाले रेजिस्टेंसेस के दो जो एंड्स हैं उनके अक्रॉस इसके ये हो गया इसके लिए ये हो गया ठीक है तो इसको हम मान लेते हैं वी वन इसको मान लेते हैं वी टू और इसको मान लेते हैं वी थ्री यहाँ पर से जो इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है उसको मान लेते हैं आई वन इसके अक्रॉस आई टू इसको मान लेते हैं आई थ्री ठीक है कुछ इस तरीके से और जो ये वाला रेजिस्टेंस है ये है R1 ये है R2 ये है R3 तो हम क्या करने वाले हैं हमने ये वोल्ट मीटर और अमीटर्स इनके साथ में कनेक्ट इसलिए किए होते हैं ताकि हम करंट की वैल्यू और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के अक्रॉस वो पता कर पाएँ ठीक है तो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करेंगे सबसे पहले मेजर कर लेंगे इस वाले के लिए जो रेजिस्टेंस आर वन है उसके लिए हमको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वस टू होता है आई आर यानी कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर तो हम अगर I1 की बात करें तो हम कैसे बता सकते हैं V1 वन अप आर के थ्रू और वो हम कैसे बता सकते हैं कि हमको जो R1 है उसकी वैल्यू गिवन होगी V1 की वैल्यू भी हम यहाँ से उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस कैलकुलेट कर लेंगे और वो यहाँ पर पुट कर देंगे वैसे ही अगर हमें I2 बतानी है तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगी वी टू अपॉन आर टू के और वैसे ही आर आई थ्री यानी कि तीसरी जो करेंट की वैल्यू पता चलेगी वो कैसे पता चलेगी वी थ्री अपऑन आर थ्री के थ्रू तो जब ये आप पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करोगे जब आप तीन रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कंबाइन करोगे या ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर से आप इस तरीके से आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और वहाँ से आप पाओगे कि जो करंट इस पूरे के पूरे सर्किट में इन तीनों ही रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस फ्लो हो रही है या इनके थ्रू फ्लो हो रही है वो सेम टू सेम है यानी कि आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई थ्री और इस तरीके से ये वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सही से हो जाएगा और हमारे इसके पहले पार्ट का जो आंसर है वो भी यही हो जाएगा तो चलिए अब देखते हैं इसका जो पार्ट बी है उसको सो so, इस क्वेश्चन के पार्ट बी में हमको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर दो रजिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्ट दिख रहे हैं उनके साथ में जो एक अमीटर है वो यहाँ पर कनेक्ट है यहाँ पर बैटरी स्विच कनेक्ट है एक और अमीटर ए टू यहाँ पर कनेक्टेड है और एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर ट्वेल्व ओम क्या है कनेक्ट किया गया है हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट पहला है करेंट इन ट्वेल्व ओम रजिस्टर सेकेंड है डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ ए वन एंड ए टू इफ एनी ठीक है तो ये वाला जो हमको रजिस्टेंस दिख रहा है ट्वेल्व ओम का इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो हमको बतानी है ठीक है साथ ही साथ हमको क्या बताना है हमको ये भी बताना है कि क्या ए वन और ए टू में डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आएंगी या फिर नहीं तो पहले वाला पार्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो ये हम बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ए वाला हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ठीक है तो ट्वेल्व ओम रजिस्टर के अक्रॉस यानी कि R की वैल्यू हमारे पास में क्या है 12 ओम है ठीक है साथ ही साथ हमारे पास में V की वैल्यू हमको गिवन है कितनी सिक्स वोल्ट्स की यहाँ पर बैटरी यूज़ की गई है तो इक्वल टू सिक्स वोल्ट्स I इक्वल टू क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर होता है सो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा ठीक है सो V की वैल्यू हो गई सिक्स वोल्ट्स अपॉन ट्वेल्व ओम सिक्स टू ज ट्वेल्व वन अपॉन टू यानी कि जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर्स ठीक है सो ट्वेल्व ओम जो रजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करेंट फ्लो हो रही है वो कितनी है वो है जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर्स ठीक है पहली बात क्लियर हो गई इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है कि जो ए वन और ए टू अमीटर्स हैं उनकी रीडिंग्स में क्या डिफरेंस होगा तो उनकी रीडिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इट मींस नो डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ ए वन एंड ए टू बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो एक ही जैसी रीडिंग्स वो शो करेंगे

और सही इसका लेबल्ड डायग्राम बना के हमको दिखाना है ऐसा इसने में बोला गया है तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसने क्या की है, इस ने। सबसे पहले इसकी मिस्टेक क्या है तो इसकी यह मिस्टेक है कि इसने जो फोकल लेंस हैं दोनों साइड की वो एक जैसी नहीं ली है वो तो इक्वल होनी चाहिए यानी कि जो टू एफ वन की डिस्टेंस है पॉइंट ओ से वो क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए किसके ओ टू टू एफ टू के बीच की डिस्टेंस तो आप लिख सकते हैं एफ वन इज़ नॉट इक्वल टू एफ टू एंड टू एफ वन इज़ नॉट इक्वल टू टू एफ टू ये फोकल लेंस क्या है इक्वल नहीं है ये हो गई इसकी पहली मिस्टेक ठीक है सेकेंड मिस्टेक इसकी क्या हो जाएगी सेकेंड हमको कितनी मिस्टेक बतानी है दो ही मिस्टेक बतानी है तो दूसरी मिस्टेक आप ये बता सकते हैं कि जब आप इसको ठीक पोजिशन पे रखेंगे तो ये इमेज एक तो यहाँ पर नहीं बनेगी तो इमेज की पोजिशन भी रॉन्ग है तो आप लिख सकते हैं रोंग पोजिशन ऑफ द इमेज और जो इमेज का साइज़ है वो भी ऐसा नहीं बनेगा साइज़ भी अलग होगा यानी कि इन साइज़ की इमेज बनेगी ठीक है यहाँ पर तो हमको ऑब्जेक्ट के इक्वल ही नजर आ रही है तो चलिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं जो सही लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए तो हमारे पास में है ये एक कॉन्वेक्स लेंस ठीक है तो मैं मेरे पास में क्योंकि अभी स्केल नहीं है पेंसिल नहीं है अच्छी सी इरेजर नहीं है तो क्योंकि मैं पेन से बना रही हूँ तो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है बट आपको अच्छे से स्केल की हेल्प से रूलर की हेल्प से इसको बनाना है ठीक है तभी आपकी केस में भी जो ये एफ वन एफ टू टू एफ वन टू एफ टू इनकी वैल्यू क्या हो पाएंगी सही हो पाएंगी ठीक है तो देखिए ये रहा यहां पर इसका जो मेन सेंटर है यानी कि ओ ठीक है यहां पर हम मान लेते हैं ये हो गया F1 और यहां पर हम लोग मान लेते हैं ये हो गया F2 टू यहां पर हम लोग मान लेते हैं ये हो गया 2F1 और यहां पर हम लोग मान लेते हैं 2F2 ठीक है हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है यहाँ पर एफ़ वन एंड टू एफ़ वन के बीच में इसको हमने नाम दे दिया ए बी ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आई और वो कहाँ से होकर जाएगी वो जाएगी हमारे ये वाले F2 से होकर इस तरीके से ठीक है O से जो रे होकर जाएगी वो उसी में आगे बढ़ जाएगी ठीक है तो एरो बनाना नहीं भूलना है कुछ इस तरीके से आपने एरो बना दिया तो यहाँ पर जो इमेज बन के आएगी एक तो उसकी पोजिशन टू एफ टू के भी पीछे बन रही है ठीक है तो इसको आपने क्या नाम दे देना है इसको आप दे दोगे नाम ए डैश बी डैश ये क्या हो गई है ये हो गई है इमेज ठीक है लेंस को भी आप एम एन नाम दे सकते हो और हम देख रहे हैं कि इमेज कैसी बन रही है इन लार्ज इमेज बन रही है तो जो जो मिस्टेक इसने की थी वो वो मिस्टेक हमने सही करके एक लेबल्स डायग्राम बना दिया है ठीक है तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है यानी कि फिर से ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है यानी कि और वाले क्वेश्चन हैं जो आपको क्वेश्चन अच्छा आता है आप जिसको आपको सही से सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और ये भी टू मार्क्स का ही क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन में आपसे बोला गया है स्टूडेंट हैज टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म लिस्ट फोर प्रिकॉशंस ही शुड ऑब्जर्व फॉर बेटर रिजल्ट्स तो एक स्टूडेंट क्या कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल टाइप का कर रहा है उसके पास में एक प्रिज्म है और वो जो लाइट है उसके पाथ को क्या कर रहा है ट्रेस करने की ट्राई कर रहा है मान लिया इस बोर्ड पे या फिर इस पेपर पे उसने प्रिज्म को रखा है तो इसको हम लोग मान लेते हैं पेपर है। और पेपर पे ही तो वो क्या करेगा ड्रॉ करते हुए ही उसका पाथ क्या कर पाएगा ट्रेस कर पाएगा और इस तरीके से लाइट्स आ रही हैं मान लेते हैं ठीक है थीके? तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि उसका एक्सपेरिमेंट सही हो पाए तो पहली चीज जिस भी पेंसिल से वो बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहा है या कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें उसमें ड्रॉ कर रहा है पेपर में वो क्या होनी चाहिए सबसे पहले पेंसिल अच्छी होनी चाहिए यानी कि शार्प होनी चाहिए ठीक है तो पेंसिल शुड बी शार्प फॉर ड्राइंग द बाउंड्री ऑफ ग्लास प्रिज्म ठीक है नेक्स्ट है कि आप जो पेपर है उसको बोर्ड के साथ में या कैसे भी आप पिन के थ्रू क्या करोगे सेटल करोगे तो जो दो पिन हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन फाइव सेंटीमीटर्स होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो पाए ठीक है नेक्स्ट है पिन शुड बी फिक्स्ड वर्टिकली हैविंग शार्प टिप्स तो उनकी जो टिप्स हैं वो सही होनी चाहिए पिन को अच्छे से वर्टिकली उस पर प्लेस करना है ठीक है नेक्स्ट है जो इंसिडेंट रे है रिफ्रैक्टेड रेज हैं या फिर इमरजेंट रेज हैं उनको जो हम दिखा रहे हैं पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए प्रॉपरली एरोज के थ्रू उनको दिखाएंगे या फिर शो करेंगे ठीक है तो आप ये कुछ चार प्रिकॉशंस लिख सकते हैं ताकि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो सही सही उसको नोट डाउन कर पाए ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारा सेट फोर का ट्वेंटी नाइनटीन के जो फिज़िक्स पोर्शन है उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये है टू मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आपसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेटअप फॉर स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ द करेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर एंड वाई तो आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं इन चारों में से ही आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम सही है जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करेंट को मेजर करने के लिए थ्रू आ रजिस्टर सही डायग्राम बनाया गया है ठीक है तो पहले वाला डायग्राम पहले तो देख लीजिए फिर दूसरे वाला डायग्राम देख लीजिए फिर तीसरे वाला डायग्राम देख लीजिए और फोर्थ वाला डायग्राम देख लीजिए तो इन चारों ही डायग्राम्स को देख के हमको सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए हमको दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो अमीटर और वोल्ट मीटर है इनको कैसे फिक्स किया गया है या फिर कैसे ज्वाइन या फिर कैसे कंबाइन किया गया है क्योंकि हमको क्या पता है कि जो अमीटर है वो हमेशा कैसे सीरीज में कनेक्ट होता है और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है वो हमेशा पैरलि कनेक्ट होता है तो इन सेटअप्स में से कौन सा सेटअप सबसे ज़्यादा सही है तो जो सी वाला सेटअप है वो सही है क्योंकि अमीटर यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्टेड है ठीक है और जो वोल्ट मीटर है वो रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलली कनेक्टेड है तो आप लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज सी बिकॉज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी के पेपर के फिजिक्स पोर्शन के सेट फाइव का फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट ओम्स लॉ वन मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है देखिए इससे पहले वाले सेट में आपसे रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए बोला गया था जो कि आपने इसी लॉ के थ्रू डिफाइन किया यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया ओम्स लॉ बता दीजिए ठीक है तो देखिए सिमिलैरिटीज क्वेश्चन में कितनी कितनी होती है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से अपने एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे ठीक तो है तो ओम स्लो क्या स्टेट करता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वेन टेम्परेचर रिमी कॉन्स्टेंट ठीक है इट मीनस किसी भी कंडक्टर या वायर के थ्रू जो करेंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी उस वायर या कंडक्टर या फिर रजिस्टर के जो दो एंड से उनके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी जहां पर आई क्या डिनोट कर रही है है, तो जो करंट वहां पर फ्लो हो रही है उसको i के थ्रू डिनोट किया जा रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग v के थ्रू डिनोट कर रहे हैं ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता है ये आ जाता है यहां पर से v equals to i into r ठीक है और यहां पर से r आ जाता है v i ठीक है और यही आर यहां पर क्या डिनोट करता है तो ये होता है रेजिस्टेंस जिसकी जो एस SI यूनिट होती है वो क्या होती है वो होती है ओम जिसका सिंबल क्या होता है इस तरीके से इसका सिंबल को हम डिनोट करते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारे पास में ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और साथ ही साथ आप उसको फॉर्मिलाइज भी करके आ सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेट फाइव का क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए इसमें क्या बोला गया है ड्रॉ लेबल ट्रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे कॉरिस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरल टू द प्रिंसिपल एक्स ऑफ अ अन्वेक्स मिरर मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इट और ये है आपका टू मार्क्स का क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पर बात कौन से मिरर की हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की हो रही है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जब हम जानते हैं तो हम उसके लिए क्या ट्रिक यूज करते हैं कि जो हमारा अल्फाबेट सी होता है वैसा ही वाला जो मिरर होगा यानी कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होगा वो मिरर कौन सा होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा और उसका ओपोजिट जो हम बनाते हैं वो क्या होता है कॉन्केव मिरर होता है ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई अब इस केस में इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल एक रे इंसिडेंस हो रही है किस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो आप इसके थ्रू क्या बताइए कि जो एंगल्स हैं यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उनको शो करके दिखाइए या फिर मार्क करके दिखाइए आप डायग्राम बना के आ जाएंगे और जो डायग्राम है वो कैसा होना चाहिए लेबल डायग्राम होनी चाहिए इट मींस जब आप कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं तो वहाँ पर उसका पोल भी दिखाएंगे वहाँ पर फोकस भी दिखाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिखाएंगे और जो भी रेस इंसिडेंट हो रही हैं या वापस जा रही हैं रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं उनको एरो के थ्रू भी आप शो करेंगे ठीक है तो तब जाके आपको इस क्वेश्चन में टू के टू मार्क्स मिल जाएंगे तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है हमने बना लिया है ठीक है अब हमने क्या किया ये क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगा जहाँ पर इसका पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है ठीक है इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल एक रे आई कुछ इस तरीके से हमने एरो का साइन ये दिखा दिया यहाँ पे ठीक है अब यह क्या करता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमको पता है कि यह डाइवर्जिंग नेचर का मिरर है मिरर की बात हो रही है लेंस की नहीं ठीक है तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का क्या है एक मिरर है अब यह क्या करेगा इस रे को डाइवर्ज करेगा अब ये कहाँ से अपियर टू डाइवर्ज होगी यानी कि हमको माइंड में सोचना है वर्चुअली तो ये कहां से अपियर टू डाइवर्ज होती है इसके फोकस से अपियर टू डाइवर्ज होती है और ये फर्स्ट रूल भी हमने देखा था जब हम कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू क्या बनाने

पे कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो अपने ही पाथ में क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ठीक है तो हमने दोनों ही एरो रे आई और रे गई इस डायरेक्शन में दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में शो कर दिए इस तरीके से ठीक है अब यहां पर हमको दिखाना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा so, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया हमारे पास में ये हो गया यहां से रे रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो ये वाला एंगल एंग क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया तो so, एंगल आई से यहां पर मैं लिख भी देती हूं एंगल आई के थ्रू हमने क्या दिखाया है तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है और वैसे ही एंगल आर के थ्रू हमने क्या शो किया है सो so, एंगल आर के थ्रू हमने शो किया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये इस तरीके से हमारे पास में डायग्राम हो गया इस वाले क्वेश्चन के आंसर में ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ और ये हमारे पास में टू मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या बोला गया है अ कंपस लिटिल प्लेस नियर अ करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजंस फॉर द सेम इन ईच केस तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके पास में एक क्या रखा गया है कंपास निडल को रखा गया है जो कि क्या बताती है इलेक्ट्रिक करंट होने पर डिफ्लेक्शन को शो करती है ठीक है आपको दो केसेस दिए गए हैं पहला केस अगर मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया जाए इलेक्ट्रिक करंट के तो क्या होगा ठीक है और नेक्स्ट है जो कंपास निडल है अगर उसको डिस्प्लेस किया जाए अवे फ्रॉम द कंडक्टर यानी कि कंडक्टर से दूर किया जाए तब कंपास निडल में क्या होगा ठीक है कैसा डिफ्लेक्शन वो शो करेगी तो यहाँ पर हमने जो ये डायग्राम दिखाया गया है ना ये इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के लिए ही है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल के स... थु, के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करते हैं एक्टिविटी आप लोग चैप्टर में कर चुके होंगे ठीक है तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है पहले वाले केस में अगर इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा दिया जाए तो तब कंपास निडल क्या करेगी तो उसमें क्या होगा ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा कंपास निडल में क्योंकि क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली किसके प्रपोशनल होती है जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके ठीक है तो मैं एम एफ के थ्रू मैंने मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है ठीक है ये मैं लिख रही हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ई सी के थ्रू मैं उसको डिनोट कर रही हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी और कंपास निडल में डिफ़्लेक्शन ज़्यादा शो होगा दूसरा था अगर कंपास निडल इज़ डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर उसकी डिस्टेंस कंडक्टर से बढ़ा दी जाए दूर कर दी जाए तब क्या होगा तब क्या हो जाएगा जो डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल में वो डिक्रीज हो जाएगा और ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके जो डिस्टेंस है निडल की फ्रॉम द वायर ठीक है तो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ठीक है क्योंकि वैसे भी आप समझ लीजिए अगर वायर से दूर अगर कंपास मिडिल को रख दिया जाए तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी दूर रख दिया जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी जितना भी उससे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी तो इसका मतलब है जो कंपास मिडल है उसमें डिफ्लेक्शन भी कम शो होगा ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो कि थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या बोला गया इसमें बोला गया है अ कॉन्केव मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर एट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ फोर सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर फॉराम मिररर ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड तो सबसे पहले एग्जाम्स में क्या करना है हमको जो जो गिवन चीज़ें हैं वो नोट कर लेनी है सो एफ इक्वल्स टू फोकल लेंथ हमको कितनी दी गई है ट्वेंटी सेंटीमीटर और कॉन्केव मिररर की बात चल रही है तो ये नेगेटिव में हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेज हम किस में लेते हैं नेगेटिव में लेते हैं ठीक है साथ ही साथ हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है एच की वैल्यू इक्वल टू फोर सेंटीमीटर साथ ही साथ हमको क्या दिया गया है है कि जो इमेज की डिस्टेंस है यानी कि v की वैल्यू वो कितनी गिवन है वो है थर्टी सेंटीमीटर हमसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना चाहिए साथ ही साथ जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका साइज भी हमको बताना है ठीक है अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं पहला केस क्या हो सकता है कि रियल इमेज फॉर्म हो रही हो तो रियल इमेज के केस में क्या हो जाएगा जो हम इमेज डिस्टेंस ले लेंगे वो नेगेटिव साइड पर होगी यानी कि माइनस थर्टी सेंटीमीटर हो जाएगी सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही हो वर्चुअल इमेज का मतलब राइट हैंड साइड की डिस्टेंसेज हम किस में लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं सो वी इक्वल्स टू प्लस थर्टी सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है अब हम लेंस फॉर्म सॉरी मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे सो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू यहाँ पर हमको यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी हो जाएगा सेम इस तरफ भी हो जाएगा वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी हो जाएगा ठीक है वैल्यूज पुट करते हैं सो वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है तो यह है माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर माइनस वन अपॉन वी की वैल्यू कितनी है सो so वी की वैल्यू यहाँ पर है माइनस थर्टी सेंटीमीटर तो ये आपके पास में क्या आ गया सिक्सटी तो यहाँ पर एलसीएम आ गया ये आ गया माइनस थ्री ये आ गया प्लस टू यानी कि वन अपॉन यू इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्सटी इट मीनस यू इक्वल टू माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर इस वाले केस के लिए ठीक है तो ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने सिक्सटी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां पर प्लेस किया जाना चाहिए दूसरे वाले केस में देख लेते हैं सो so, यहां पर वन अपॉन एफ की जगह पर कितना हो जाएगा एफ की जगह पर माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है माइनस वन अपॉन वी की जगह पर प्लस थर्टी सेंटीमीटर सो वन अपॉन यू इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में सिक्सटी एलसीएम आ गया ये हो गया माइनस थ्री ये हो गया माइनस टू यानी कि माइनस फाइव अपॉन सिक्सटी इट मीन्स माइनस वन अपॉन ट्वेल्व तो इसका ये मतलब है यू इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा सॉरी माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की सारी ही डिस्टेंसेस नेगेटिव ही होती हैं और इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया जाना चाहिए मिरर के सामने ट्वेल्व सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ठीक है अब इस वाले केस में जो इमेज का साइज़ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमको मिरर के केस में ये पता है एम इक्वल टू क्या होता है माइनस वी अपॉन यू होता है ठीक है और वो इक्वल टू किसके होता है एच डैश अपॉन एच के सो so, यहाँ पर हमारे पास में रिलेशन हो जाएगा एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एच डैश इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इन टू एच सो एच डैश विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वी की वैल्यू कितनी है माइनस थर्टी सेंटीमीटर अपॉन यू की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर इन एच की वैल्यू कितनी है फोर सेंटीमीटर जीरो से जीरो कैंसिल हो गया थ्री टू जो सिक्स हो गया टू टू जो फोर हो गया तो ये आपके पास में कितना आ गया ये आपके पास में आ जाएगा माइनस टू सेंटीमीटर्स तो ये आ गई आपके पास में हाइट किसकी इमेज की नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब इन्वर्टेड टाइप की इमेज यहाँ पर बन के फॉर्म होगी ठीक है सेकेंड वाले केस में देखिए यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे एच डैश इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इन टू एच सो इट विल बी इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी है थर्टी सेंटीमीटर अपॉन यू की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर इंटू एच की वैल्यू कितनी है फोर सेंटीमीटर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया फोर थ्री जो ट्वेल्व हो गया थ्री टेन जो थर्टी हो गया तो यहाँ पर एच डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आ जाएगा टेन सेंटीमीटर्स क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ में वैल्यू आ रही है इसका मतलब है जो इमेज बन रही है सीधी इमेज बनेगी यानी कि इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर सेवन थे यानी कि ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है और वाले क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं और ये भी थ्री मार्क्स का ही क्वेश्चन है ठीक है तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अ रियल इमेज टू थर्ड ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस वेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम इट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है रियल इमेज की बात चल रही है ठीक है रियल इमेज है उसका मैग्निफिकेशन आपको दिया गया है टू बाई थ्री यानी कि माइनस टू बाई थ्री ये हो जाएगा फॉर रियल इमेज के केस में ठीक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दी गई है यहाँ पे ट्वेल्व सेंटीमीटर सो यू इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है उसके पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी वी की वैल्यू चाहिए होगी लेंस फॉर्मुला में यूज करने के लिए ठीक है तो आपको पता है लेंस के केस में एम इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन यू होता है सो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू यू हो जाएगा सो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री इंटू यू की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेल्व है ठीक है सो थ्री फोर सा हो गया ट्वेल्व और इसका मतलब है वी इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया है प्लस एट सेंटीमीटर आ गया है ठीक तो है तो कॉन्वेक्स लेंस का केस है वी की वैल्यू कितनी आ गई है प्लस एट सेंटीमीटर आ गई है ठीक है अब हमारे पास में क्या है लेंस फॉर्मूला है जो कि क्या होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू वैल्यू स्पुट कर लीजिए आपको इस कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ मिल जाएगी सो वन अपॉन वी की वैल्यू कितनी है एट सेंटीमीटर है माइनस वन अपॉन यू की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर है सो so, ये इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन ट्वेल्व ठीक है सो वन अपॉन एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा ये हो गया ट्वेंटी फोर एल सी एम एट थ्री जो ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर कितना हो गया फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर तो ये आपके पास में कितना आ गया वन अपॉन फाइव फोर जवेंटी फाइव एट ज फोर्टी तो फोर पॉइंट एट आ गया सो so, f इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर और हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्योंकि हम राइट हैंड साइड की डिस्टेंसिस लेते हैं क्योंकि उसका प्रिंसिपल फोकस उधर साइड पे होता है राइट हैंड साइड पर तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आ रही है फोर सेंटीमीटर ठीक है तो ये भी आसान सा इक्वेशन था जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है इन दोनों में से ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ जो कि थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हमसे क्या बोला गया है इसमें हमसे बोला गया है टू सर्क्यूलर कॉइल्स पी एंड क्यू आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर ऑफ विच कॉइल पी कैरीज अ करेंट वट विल यू ऑब्जर्व इन द गेलवेनोमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल क्यू ए है इफ करेंट इन द

अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि क्या होगा ये गैल्वेनोमीटर जो कॉइल क्यू वाला है वो क्या शो करेगा अगर करंट चेंज कर दी जाए कॉइल पी में यानी कि इस वाले में जो करंट फ्लो हो रही है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो इसके डिफ़्लेक्शन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसके गैल्वेनोमीटर पर क्या कुछ शो होने वाला है तो क्या शो होगा अगर यहाँ पर कॉइल पी के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट चेंज करते हैं तो क्या होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रही है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से ये इसकी क्या है क्लोज मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिस वजह से यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो जाती है और यहाँ पर अगर करंट चेंज होगी तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा चेंज आएगा और इस वजह से जो गेलवेनोमीटर है वो एक साइड को डिफ्लेक्शन शो करेगा एक डायरेक्शन में तो लिख सकते हैं गेलवेनोमीटर शोज आर डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन ठीक है नेक्स्ट है इफ बोथ द कोसर

ठीक है तो अच्छे से समझ में आया इसका जस्टिफिकेशन जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई वो आप अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और ये है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन जिसके हैं दो पार्ट्स और दोनों ही पार्ट्स आपस में रिलेटेबल हैं ठीक है तो एक एक करके हम इन दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व करेंगे देखिए सबसे पहले पार्ट ए में हमसे क्या बोला गया है अ फाइव सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज थर्टी सेंटीमीटर फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म पार्ट बी में आपसे बोला गया है ड्रॉ अ लेबल ट्री डाइग्राम टू शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इन द अबाव केस तो इससे रिलेटेड आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है पार्ट पी में तो उसको हम बाद में बनाएंगे उसके पहले हम इस फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं पार्ट ए को ठीक है तो हमको इसमें जो जो गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं फाइव सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है एच इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर हो गया जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी प्लस ट्वेंटी सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो हमेशा नेगेटिव ही ली जाती है लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस है तो माइनस थर्टी सेंटीमीटर हमको यहाँ पर साइज पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है उसके लिए हमको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी है ना तो सबसे पहले हम लोग लेंस फॉर्मूला के थ्रू जो इमेज का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं यानी कि v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू यहाँ पर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू सो वन अपॉन वी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एफ कितना है ट्वेंटी से प्लस वन यू की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर. तो, तो आ आ गया 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 ये गया ये ये हो 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 कितना? जाएगा. जाएगा. आपके पास में तो, तो यहाँ पर से v इक्वल टू आ गया आपके पास में प्लस सिक्सटी सेंटीमीटर इट मीनस राइट हैंड साइड पर जो इमेज है वो बन रही है उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव है ठीक है अब हमको पता है कि जो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन लिया जाता है वो क्या होता है एम इक्वस टू वी अपॉन यू जो कि किसके इक्वल होता है ये इक्वल होता है एच डैश अपॉन एच के तो यहाँ से हम लोग एच डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एच डैश अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन यू यानी कि एच डैश इक्वल टू हो गया वी अपॉन यू इन टू एच ठीक है सो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई है प्लस सिक्सटी सेंटीमीटर अपॉन u की वैल्यू कितनी है माइनस थर्टी सेंटीमीटर इंटू एच की वैल्यू कितनी है सो so, एच की वैल्यू हमको गिवन है फाइव सेंटीमीटर जीरो से ज़ीरो कैंसिल थ्री टू जो सिक्स तो ये हो गया माइनस टेन सेंटीमीटर्स ठीक है तो इसका क्या क्या मतलब हो गया कि जो पोजीशन हो जाएगी इमेज की वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी सिक्सटी सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस ठीक है साथ ही साथ जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा तो इमेज कैसी बन रही है क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ में हम उसका साइज़ देख रहे हैं इसका मतलब है और यहाँ पर पॉजिटिव हम लोग ये देख रहे हैं जो इमेज की डिस्टेंस है इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड टाइप की इमेज बनेगी ठीक है साथ ही साथ साइज़ तो हमको पता ही है इमेज का कितना है तो ये है टेन सेंटीमीटर इसका साइज ठीक है अब देखिए अब आपको एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है इसके लिए तो कौन सा लेंस है ये है हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से ठीक है ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सेस ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ ठीक है ये वाली डिस्टेंस हम लोग ले ले रहे हैं F1 ये हो जाएगा 2F1 ये हो गया यहाँ पर हमारे पास में F2 और ये हमारे पास में हो गया 2F2 ठीक है अब हमको देखना है कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है और फोकल लेंथ कितनी है सो फोकल लेंथ हमको दी गई है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर तो इतनी अगर डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट प्लेस करना है हमको तो कुछ F1 और 2F1 के बीच में कहीं पर होगा तो ये हो गया हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया यू की वैल्यू कितनी है थर्टी सेंटीमीटर ठीक है अब ये कहाँ से होकर जाएगी तो ये इसके इस वाले F2 से होकर इस तरीके से चली जाएगी ठीक है दूसरा वाला इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर कुछ इस तरीके से निकल जाएगी ठीक है तो इमेज कहाँ पे बन गई इमेज बन गई यहाँ पे कुछ इस तरीके से इमेज कैसी बन गई तो इमेज बन गई रियल एंड इन्वर्टेड कैसा इसका जो हाइट है वो कितनी हो गई टेन सेंटीमीटर इसकी हाइट कितनी थी ऑब्जेक्ट की फाइव सेंटीमीटर इसको नाम दे दिया ए बी इसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश और ये कितनी डिस्टेंस पर बन रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो वी इक्वल टू है आपके पास में सिक्सटी सेंटीमीटर्स ठीक है तो इस तरीके का आप लेबल्ड डायग्राम बना सकते हैं ताकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व हो पाए और इस क्वेश्चन में आपको इसके फुल मार्क्स मिल पाए ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन्थ और ये भी हमारे पास में फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कंपेयर द पावर यूज्ड इन टू ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स तो इन दोनों में ही आपको पावर कैलकुलेट करनी है और उनको कंपेयर करना है इन दोनों ही सर्किट्स में ठीक है तो पहले वाले सर्किट में हम क्या देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस वन ओम एंड टू ओम का सीरीज़ में कनेक्टेड है यानी कि यहाँ पर से जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम टू सेम ही फ्लो होगी पूरे के पूरे सर्किट में ठीक है जबकि दूसरे वाले सर्किट में हम देख रहे हैं कि वन ओम और टू ओम के जो रजिस्टेंसेज हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका क्या मतलब है कि दोनों ही रजिस्टेंसेज से अलग अलग करेंट्स क्या हो रही होंगी फ्लो हो रही होंगी ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई तो पहले वाले के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी पावर वहां पर टू ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं और फिर दूसरे वाले के लिए बताएंगे तो पहले वाले केस में जहां पर सीरीज में कनेक्टेड है वहां पर टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू हो जाएगा है ना सो so, आर इक्वल टू क्या हो गया वन ओम प्लस टू ओम इट मींस इक्वल टू थ्री ओम इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है साथ ही साथ यहाँ पर जो हमको V की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है सिक्स वोल्ट दी गई है सो वी इक्वल टू सिक्स वोल्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है V इक्वल्स टू आई इन टू आर है ना सो so, वहाँ से हम लोग जो करंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा सो so, ये हो गया सिक्स वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू हो गई थ्री ओम तो ये हो गया टू एम्पियर्स ठीक है अब पावर कितनी हो जाएगी पी इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्र आर सो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है टू का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है थ्री ओम सो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा टू टू जोर इंटू थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्व वॉट्स. ठीक है सेकेंड वाला केस लेते हैं बी वाला केस जिसमें अलग अलग करेंसी फ्लो होनी है तो हम डायरेक्टली टू ओम रजिस्टर्स रजिस्टर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी है तो हमारे पास में आर की वैल्यू है टू ओम और साथ ही साथ वी की वैल्यू कितनी है फोर वोल्ट्स तो ये हो गया टू ओम वी इक्वल टू फोर वोल्ट्स तो यहाँ पर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं सो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर यानी कि p का सॉरी फोर की पावर टू अपॉन r यानी कि टू ओम सो p इक्वल्स टू हो जाएगा फोर फोर जिक्सटीन अपॉन टू यानी कि एट वॉट्स तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे ट्वेल्व वॉट्स है यहाँ पर एट वॉट्स है तो कितने का गैप आ रहा है फोर वॉट्स का गैप आ रहा है दोनों ही जो यहाँ पर पावर बतानी थी हमको इन दोनों ही सर्किट में ठीक है तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारे पास में फिर से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है जो कि फाइव मार्क्स का है सेम सेट के लिए इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है या फिर और वाले क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अब फोर्टी वोल्ट टू ट्वेंटी वोल्ट फाइंड द करेंट ड्रॉन बाय इट वेन इट्स कनेक्टेड टू अ टू ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई ऑल्सो फाइंड इट्स रजिस्टेंस तो एक बल्ब है जिसके लिए पावर आपको दी गई है फोर्टी वोट जिसके लिए आपको वोल्टेज टू ट्वेंटी वोल्ट दी गई है आपसे वहाँ पर करेंट और रजिस्टेंस दोनों ही पूछा जा रहा है ठीक है सेकेंड आपसे बोला जा रहा है इफ़ द गि बल्ब इज रिप्लेसड बाई अ बल्ब ऑफ रेटिंग ट्वेंटी फाइव वोट टू ट्वेंटी वोल्ट विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस जस्टिफाई योर आंसर एंड डिटरमाइंड द चेंज तो अब बल्ब को रिप्लेस कर दिया गया है पावर बदल दी गई है कितनी ट्वेंटी फाइव वोट और वोल्टेज सेम ही है टू ट्वेंटी वोल्ट्स तो आपको वहाँ पर भी करेंट और रजिस्टेंस बताना है और देखना है कि उन दोनों में क्या क्या चेंजेस आए हैं ठीक है तो पहले फर्स्ट वाला केस लेते हैं जिसमें फर्स्ट बल्ब का जो पावर दिया गया है पी वन वो कितना दिया गया है फोर्टी वोट्स वोल्टेज V इक्वल टू कितना दिया गया है 220 ट्वेंटी वोल्ट दिया गया है ठीक है यहां पर आप करंट बता सकते हैं आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वन अपॉन वी वन सो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 40 वोल्ट्स अपॉन 220 ट्वेंटी वोल्ट जीरो से जीरो कैंसिल टू टू जो फोर टू वन जो टू टू वन जो टू यानी कि टू अपॉन इलेवन एम्पियर यहाँ पर आपके पास में आ गया ठीक है पहली बात क्लियर अब आई की वैल्यू है वी की वैल्यू है रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो इजीली तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वी इक्वस टू होता है आई आर सो आर इक्वस टू क्या हो जाएगा वी वन अपॉन आई वन ठीक है वी वन कितना है टू ट्वेंटी वर्ल्ड अपऑन आई वन की वैल्यू कितनी है सो so, ये है आपके पास में टू अपॉन इलेवन सो ये हो गया टू यहाँ पर आ जाएगा इलेवन टू वन जो टू टू वन जो जीरो ठीक है सो आर वन इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा इलेवन जीरो जीरो इलेवन वनजा इलेवन इलेवन वनजा इलेवन और ये क्या हो गया आपके पास में ट्वेल्व सो वन टू वन जीरो ओम्स तो ये हो गया आपके पहले वाले बल्ब के लिए रेजिस्टेंस और ये हो गई करंट अब सेकंड वाले बल्ब की बात करें जिसको रिप्लेस करके लगाया गया है सो so, यहाँ पर पी मान लेते हैं इसके लिए ट्वेंटी फाइव वोल्टेज सेम टू सेम है यानी कि V2 टू इक्वल टू टू ट्वेंटी वोल्ट्स ही है ठीक है हमको यहाँ पे करंट बतानी है सो so I2 टू इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 टू अपॉन वी टू पी टू की वैल्यू कितनी है तो ये है ट्वेंटी फाइव वर्ट्स अपॉन वी टू की वैल्यू है टू ट्वेंटी वोल्ट्स ये आपके पास में आ गया फ़ाइव फाइव 25 ट्वेंटी फ़ाइव फाइव फोर ज ट्वेंटी फ़ाइव फोर ट्वेंटी तो ये हो गया फ़ाइव अपॉन फोर्टी फोर एम्पियर्स ठीक है साथ ही साथ हम लोग को कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस सो आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉमुला वैसे ही सेम टू सेम आप लोग यूज़ कर लीजिए सो वी टू अपॉन आई टू इक्वल टू वी टू की वैल्यू कितनी है टू ट्वेंटी वोल्ट्स अपॉन फाइव अपॉन फोर्टी फोर है तो फोर्टी फोर यहाँ न्यूमरेटर में चला गया ठीक है ये हो गया फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव फोर जो ट्वेंटी यानी कि आर टू रजिस्टेंस यहाँ पर कितना आ गया है ये आ जाएगा वन नाइन थ्री सिक्स ओम ठीक है तो सेकेंड वाले बल्ब के लिए भी रेजिस्टेंस और साथ ही साथ करंट दोनों ही कैलकुलेट कर ली और इनमें क्या क्या चेंजेस हैं ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है टू अपॉइंट इलेवन एमपियर यहाँ पर है फाइव अपॉइंट फोर्टी फोर एमपियर ठीक है दूसरे वाले में यहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वन टू वन जीरो ओम और यहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वन नाइन थ्री सिक्स ओम ठीक है इजी सा क्वेश्चन है चलिए आप देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर और ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है अ टीचर गिव्स अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर ईच टू हिज स्टूडेंट एंड आस्क हिम टू फाइंड देयर फोकल लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट The student uses a distant tree as the object and obtains its sharp image one by one on a screen. The distances d1 and d2 between the lens or mirror and the screen in the two cases and the nature of their respective sharp image are likely to be. तो एक टीचर हैं, उन्होंने क्या किया? अपने स्टूडेंट को कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्किव जो मिरर है वो दिया, जिनकी फोकल लंबाई कितनी थी? 20 20 सेंटीमीटर एच थी, ठीक है? और उससे बोला कि उसकी फोकल लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी है अलग अलग इमेजेस अलग अलग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ठीक है तो उसने दो डिस्टेंसेस d1 वन एंड डी के थ्रू उस कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर के थ्रू शार्प इमेजेस उसको मिली अब आपसे क्वेश्चन में इन सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं या ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि जो इमेज बनी है उसका नेचर और जो उसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए ठीक है तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों की ही एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं जो लाइट रेज आती हैं किसी भी डिस्टेंट प्लेस से किसी भी दूर वाले ऑब्जेक्ट से ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट सोर्स से ठीक है तो ये क्या करते हैं उनको कन्वर्ज करते हैं कहाँ पर उसके फोकल पॉइंट पर ठीक है और वहाँ पर कैसी इमेज बनती है पॉइंट साइज इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज वहाँ पर बनेगी ठीक है इसका ये मतलब है कि जहाँ पर इमेज बन रही है है ना तो वहाँ से स्क्रीन से स्क्रीन में जहाँ पर हमको इमेज मिल रही है उस लेंथ से वही उसकी क्या है फोकल लेंथ है ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में वो कितनी कितनी है ट्वेंटी ट्वेंटी सेंटीमीटर है और कैसी इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी दोनों केस में इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो कैसा ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सेम सेट के लिए हमने सेम क्वेश्चन इससे पहले भी किया है इसका मतलब ये और वाले क्वेश्चन हैं या फिर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप एग्जाम्स में उसको सॉल्व करके आएंगे ठीक है ये हमारे पास में टू मार्क्स का क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले इन द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करेंट आई ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस अ रजिस्टर स्टूडेंट ऑप्ट अ ग्राफ ए शोन तो एक ग्राफ यहाँ पर हमको गिवन है हमसे यह बोला गया है कि एक स्टूडेंट या फिर एक बच्चा क्या कर रहा था एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो करंट के थ्रू जिसको डिनोट किया जाता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी के थ्रू जिसको डिनोट किया जाता है उनके बीच में डिपेंडेंस को चेक कर रहा था ठीक है तो उसके पास में आई कुछ ऑब्जर्वेशन और observations उसने बना दिया ये ग्राफ ठीक है पहले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है वट डज द ग्राफ डिपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ करेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बताइए कि किस तरीके से जो करेंट है वो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड हो रही है ठीक है सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है फाइंड द करेंट दैट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर वेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज टू पॉइंट फाइव वोल्ट तो उस रजिस्टर के अक्रॉस जो करेंट फ्लो हो रही है वो आपको बतानी है कैलकुलेट करके अगर वहां पर उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है टू पॉइंट फाइव वोल्ट गिवन है तो ठीक है तो एक एक करके इसके दोनों ही पार्ट सॉल्व करते हैं टू मार्क्स का क्वेश्चन है इट मीन्स वन मार्क वन मार्क ईच हो जाएगा ठीक है तो पहले पार्ट में आपसे बोला गया है ग्राफ देखिए और बताइए कि किस तरीके से करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है तो ग्राफ हम देख रहे हैं ग्राफ कैसा है यहाँ पर यह है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ कैसा है ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है कि अगर ये आई और वी के बीच में ग्राफ बना हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने के साथ साथ करंट भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है तो इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है इसका क्या मतलब है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है v उसके सो हम लिख सकते हैं i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और इससे हमको पता चल रहा है कि जो कंडक्टर जो वायर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो ओमिक कंडक्टर है यानी कि वो ओम स्लॉ को फॉलो कर रहा है और इसी के थ्रू हमारे पास में वी इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला भी आ जाता है, है ना जहाँ पर आर मैथमेटिकली तो एक प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है लेकिन ये क्या है उस रजिस्टर का क्या है रजिस्टेंस को हम आर के थ्रू डिनोट करते हैं ठीक है पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया सेकंड पार्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है यानी कि वी की वैल्यू कितनी 2.5 वोल्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू अब करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूले को हम देख पा रहे हैं तो यहां से हमको यह पता चलता है कि अगर हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू होगी तभी हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे तो क्या हमको घबराने की जरूरत है नहीं घबराने की जरूरत है क्यों क्योंकि हमारे पास में ये ग्राफ है और हमको पता है कि जब हम करेंट और डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ का जो स्लोप आता है है ना ओम स्लो के अकॉर्डिंग वो क्या होता है उसके थ्रू हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्सिस यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक्सेज है और वाई एक्सेस यानी कि जो करंट वाला एक्सेज है उसके अलोंग कुछ पैरल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम स्लोप बता पाएँ इस ग्राफ का कोई भी दो पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस वाले में ले लेंगे कोई भी दो पॉइंट्स करंट वाले एक्सेज में ले लेंगे ठीक है और हमको पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है तो आर इक्वल्स टू हमारे पास में फॉर्मला है ये वाला वी अपॉन आई होता है यानी कि दो पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर लेते हैं यानी कि वी टू माइनस वी वन तो मैं वी टू ये वाले पॉइंट को मान रही हूँ वन वोल्ट और जीरो वोल्ट को V1 वन मान रही हो ठीक so, है so, 0 -0. So, हमारे पास में आ गया वन अपॉन जीरो हम लिख सकते हैं टेन अपॉन वन या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो रजिस्टर है उसका रजिस्टेंस कितना है सो so, ये है आपके पास में टेन ओम्स अब इजी हो गया क्वेश्चन क्यों क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चल गई हमको रेजिस्टेंस पता चल गया इसके स्लोप के अकॉर्डिंग तो हम आई की वैल्यू यानी कि करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सो आई इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा हमारे पास में फॉमूला क्या है ओम स्लो के अकॉर्डिंग वी इक्वल्स टू आई आर सो आई इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन आर ठीक है सो ये हो गया वी अपॉन आर सो इक्वल टू वी की वैल्यू है टू पॉइंट फाइव वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू है टेन ओम्स ठीक है so, सो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा ये ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड ठीक है सो आई इक्वल टू हमारे पास में आ गया जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर्स तो इस जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है 0.25 पॉइंट टू एम्पियर करेंट फ्लो हो रही है जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 2.5 वोल्ट है तो ठीक है इतनी बात क्लियर ये क्वेश्चन आया आपको अच्छे से समझ में सो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन या फिर आज जितनी भी हमने साथ में पढ़ाई की है वो अच्छे से समझ में आया होगा और जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं वो आपने अच्छे से रिवाइज भी किए होंगे तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तब तक आप अच्छे से रिविजन करते रहिए पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न ओ फ्री है पर बेस्ट है